अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची फ़िश प्राइस अपडेट के साथ मोहम्मद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज जुम्मे का दिन है, 23 सितंबर 2022, और सुबह की तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं अपडेट देता हूँ कि मछली मार्केट में क्या सूरत हाल है रेट के हवाले से। ये पापलेट है वाइट, और ये एक ग्रेड का माल है, और किलो में 5-6 दाने आते हैं, और इसका रेट है 1500 रुपये फी किलो के हिसाब से। इसमें बी ग्रेड भी मिलता है, लेकिन बी ग्रेड में किसी को देता नहीं हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। 800 और 1000 रुपये का मिलता है वो। और ये मुल्ला मछली है, बिल्कुल फ्रेश माल है, और ये आपको मिल जाएगा 700 रुपये फी किलो के हिसाब से, बिल्कुल फ्रेश माल है ये। और ये मिट्टू मछली है, छोटे साइज़ के दाने हैं, और ये आपको मिल जाएगा 250 रुपये में। और ये मैया है, बिल्कुल फ्रेश है, और ये आपको मिल जाएगा 1200 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये अक्टोपस है बी ग्रेड का, 800 रुपये का है, और इसमें एक ग्रेड मिलेगा तकरीबन 1200 रुपये का। और ये जेरा झींगा है बड़े साइज़ का, किलो में तकरीबन 15 से 20 दाने आएंगे, और ये आपको मिल जाएगा 2000 रुपये फी किलो के हिसाब से। और इसमें इस एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का आता है, 19-20 का फ़र्क है, वो 2200 रुपये का होगा। और ये कंगी फिश है छोटी वाली, और इसको ग्रिल भी करते हैं, और सालन भी बनाते हैं, इससे फ्राई भी करते हैं, और ये आपको मिल जाएगा 220 रुपये के हिसाब से। और इसका सर और दुम काटा जाता है, और बाकी बीच में एक कंगी और रेड़ की हड्डी होती है। और ये रेड स्नैपर और करंचा मिक्स पड़ा हुआ है, 900 रुपये रेट है इसका। और ये झींगा पड़ा हुआ है छोटे साइज़ का, छोटे और बड़े दाने मिक्स से, बिल्कुल फ्रेश माल है एक ग्रेड का, और ये आपको मिल जाएगा 750 रुपये फी किलो के हिसाब से। ये चावल के लिए है, छोटे वाले हैं। और ये गीसर है, बिल्कुल फ्रेश दाने हैं, देखो यहाँ से सर का हिस्सा मैंने पकड़ा हुआ, तो बिल्कुल फ्रेश है, कड़क है, डंडा माल है ये। और ये मिल जाएगा आपको 600 रुपये में। और ये ओमली धोतर है, और ये भी कुंडे का माल है, बिल्कुल फ्रेश माल है छोटे वाले, और ये आपको मिल जाएगा 600 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये गेंगड़ा फिश है, एक कांटे वाली मछली है, बीच में कांटा होता है, और ये आपको मिल जाएगा 350 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये बाम मछली है, इसमें भी जो ना एक कांटा होता है साइडों में, और बीच में एक रेड की हड्डी होती है, और बिल्कुल फ्रेश माल आया हुआ है, और ये आपको मिल जाएगा 450 रुपये फी किलो के हिसाब से, बिल्कुल ज़िंदा माल जैसा माल है। और ये रोहू मछली है, ये मीठे पानी की मछली है रोहू, और तकरीबन आधा किलो के दाने हैं, और ये आपको मिल जाएगा 450 रुपये फी किलो के हिसाब से। और इसमें जो बड़े दाने आते हैं तकरीबन 1.5 किलो वाले, 1.5 किलो वाले, 2 किलो वाले, वो आपको मिल जाएगा 600 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये तिल्ली मछली है, और ये आपको मिल जाएगा 450 रुपये फी किलो के हिसाब से, ये भी मीठे पानी की है। और ये पेरोट तोता फिश है, लाट का रेट है 650 रुपये फी किलो। और ये लेदर जैकेट है, ईरानी चप्पल भी कहते हैं इसको, एक रेट का है, और ये आपको मिल जाएगा 650 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये हीरा है, एक रेट का है, और ये आपको मिल जाएगा 1200 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये गोली मुश्का है, और ये आपको मिल जाएगा 800 रुपये में। और ये कुक्कड़ फिश है, एक रेट का माल है,
ये कुंडे वाला माल है और ये आपको मिल जाएगा 700 रुपये फी किलो के हिसाब से। इस हफ्ते इसके रेट बढ़ गए हैं। और ये डांट फिश है, ए ग्रेड का माल है और ये आपको मिल जाएगा 700 रुपये फी किलो के हिसाब से। ये तकरीबन 500-600 ग्राम के दाने हैं, तकरीबन किलो में 2 से 3 दाने आएंगे, छोटे और बड़े मिक्स दाने पड़े हुए हैं। और ये कुन फिश है, ये आपको मिल जाएगा 440 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये सोल फिश है, ए ग्रेड का माल है, बिल्कुल ताज़ा माल है ये, और ये आपको मिल जाएगा 500 रुपये फी किलो के हिसाब से, बिल्कुल फ्रेश माल है। और ये कपड़तान है, ये भी फ्रेश माल है, कुंडे वाला माल है और ये आपको मिल जाएगा 500 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये लेडी फिश है, ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है और ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये सुरमई मछली का लाट पड़ा हुआ है पूरा, और इसमें फ्रेश दाने भी है और बी ग्रेड के दाने भी है। जो फ्रेश दाने हैं उसका रेट है 1200 रुपये फी किलो के हिसाब से। और ये मुल्ला मछली का एक लाट पड़ा हुआ है और ये आपको मिल जाएगा 700 रुपये फी किलो के हिसाब से, बहुत बड़ा लाट है ये और 700 रुपये फी किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और ये दंडिया फिश है, फ्रेश माल है बिल्कुल, और ये आपको मिल जाएगा 650 रुपये फी किलो के हिसाब से, बिल्कुल डंडा माल है ये। और ये कैप्टन दंडिया है, ये भी फ्रेश माल है और ये इसका रेट भी है 650 रुपये फी किलो। और ये मिक्स लाड है, इसमें मुल्ला है, हीरा है और दूतर है और हज्जाम है, 650 में भी आपको मिल जाएगा। इसमें करंचे भी पड़ा हुआ है। और ये चाया मछली है, फ्रेश माल है एकदम और बिल्कुल 0 मीटर माल है और ये आपको मिल जाएगा 650 रुपये फी किलो के हिसाब से। ये कल्ली भी बिल्कुल भी नहीं रही, इतना फ्रेश माल है ये, जिसमें भी एक कांटा होता है बीच में और बाकी साइडों में जो ना बारीक बारीक थोड़े कांटे होते हैं। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी आज, मैंने कहा मैं अपने देखने भाइयों को दिखाऊंगा। माल बहुत ज़्यादा होता है फिशरी के अंदर, लेकिन उसमें एक ग्रेड की जो मछलियाँ हैं, जो फ्रेश माल होता है वो बहुत कम होता है। और बाज़ भाई हमारे कहते हैं कि हमने आपको ऑर्डर दिया है और हमने आपको मछली दी नहीं है, तो मैं मछली देखता हूँ फ्रेश, जब मुझे फ्रेश माल मिलता है तो मैं आगे देता हूँ, जब फ्रेश माल नहीं मिलता तो मैं नहीं देता, मना करता हूँ। तो आज भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस लाट के अंदर तकरीबन 2 किस्म की मछलियाँ थी जो फ्रेश थी और बाकी सारी जिन्हें बी ग्रेड का माल पड़ा हुआ था। तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह किसी दिन दूसरा बना, आज तो मैंने इसमें नहीं डाला, ये फिर वीडियो लंबी हो जाती, वो किसी दिन मैं इंशाल्लाह इस तरह वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि मछलियाँ तो आपको सारी फ्रेश नज़र आएगी, लेकिन बज़ाहिर तौर पर जब आप उसको चेक करोगे तो उसमें ए ग्रेड की मछलियाँ बहुत कम होती है और बी ग्रेड का ज़्यादा होती है। हम देते हैं ए ग्रेड, तो जो दोस्त ए ग्रेड फ्रेश मछली खाना पसंद करते हैं और जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है तो वो थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह इसको मछली मिलेगी तो बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बीमारी, परेशानी और बलाओं से दूर रखे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वाला कल खाली उसका गोश्त के 350 में।